तो बीजेपी को बजावांगा, आपने क्या बजावाया? देखो बहुत अच्छा कार्यक्रम है और विनोद जाखड़ बहुत अच्छा सुशील संस्कारी सज्जन हमारा छोटा भाई है। और मैं तो इसलिए भी कि 2018 में जब ये यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना था तो बनने के बाद में इसका पहला जयपुर के बाद में अगर कोई दौरा हुआ तो मेरे लक्ष्मणगढ़ में हुआ था। मैं तब एमएलए था, इनका स्वागत करने के लिए मेरे लक्ष्मणगढ़ में इसके कार्यक्रम में गया था। बात को समझना पड़ेगा, लंबे चौड़े भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। आप भी काफी सुबह से आए हुए हो, भूखे प्यासे भी हो। हमारा पूरे के पूरे सब जितने भी पहले के जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं या राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अभी वरुण चौधरी जी ने जिनका सबका नाम लिया है, या हमारे पूर्व विधायक हैं, हमारे प्रशांत शर्मा जी विधायक साहब भी बैठे हैं, तमाम कटराणा साहब, इंद्रराज गुर्जर जी, पूरी की पूरी टीम आपके सामने बैठी है। मैं तो ये की बात कहना चाहता हूं कि ये विपक्ष में संघर्ष का मौका मिलता है और जो संघर्ष करता है रिजल्ट उसी के पक्ष में आता है। आपको एक मौका मिला है, नेता अगर कोई बनता है तो विपक्ष से बनता है, सत्ता में कभी ज्यादा नेता नहीं बनता। सत्ता में मंत्री बन सकता है, कोई ट्रांसफर करा सकता है, मालाएं ज्यादा पहन सकता है, लेकिन अगर कोई नेता बनता है तो प्रतिपक्ष में बनता है। और राजस्थान में आज जिस प्रकार की पर्ची सरकार काम कर रही है, आपको संघर्ष करने की आवश्यकता है। इनके नाक में नकेल डाल करके इनको घुटने टिकाने का काम हम सब लोग कर देंगे, लेकिन सबको मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, सबको एकजुट रखना पड़ेगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये जो छात्र शक्ति आपकी है ना, ये 36 कौम की छात्र शक्ति है और कांग्रेस का हमेशा से 36 कौम को सबको साथ लेकर के हम लोग चलते हैं। इसमें किसी तरीके का भटकाव नहीं आना चाहिए। अगर इसमें किसी तरीके का भटकाव नहीं आने दोगे तो भाई विनोद, मैं आपको कहना चाहता हूं आने वाले समय में हम इस भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान से सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। तमाशा लगा रखा है इन्होंने, पर्चियों से मुख्यमंत्री बना लिए, पर्चियों से मुख्यमंत्री बना लिए, पर्चियों से मंत्री बन गए और मंत्री इस्तीफा दे के घर चले गए। अरे राजस्थान की जनता ने जिनको सरकारें सौंपी थी, सरकार चलाने के लिए सत्ता सौंपी थी, वो इस्तीफा दे करके सत्ता पक्ष में प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे। आपने देखा क्या तमाशा करे? कोई कह रहा है छुट्टी ले ली विधानसभा से, और कोई कह रहा दिल्ली तलब कर लिया मेरे को। ये दिल्ली तलब का और छुट्टियां लेने का ये जो नौटंकी है ना, ये छोड़ो बीजेपी वालों, लोगों ने आपको यहाँ सरकार बना करके लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है। काम बताइए, अपना विजन बताइए। महीने में 15 दिन तो मुख्यमंत्री को तलब कर लेते हैं दिल्ली वाले, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, क्या तमाशा लगा रखा है? कल देखा नहीं आपने किस प्रकार का नोटंकी करते हुए घूम रहे हैं ये लोग? इसलिए मौका है ये, आप सब लोग यूनाइट हो जाओ, संगठित हो जाओ, सरकार की कोई भी गलत नीति है उसका विरोध करो। और हमारे पास में सामान भी है, हमारे पास में हमारी 5 साल सरकार थी कांग्रेस की, एक से बढ़कर के एक योजनाएं दी गई है। आज किसान हो, दलित हो, पिछड़े हो, सबके लिए एक से बढ़िया एक योजनाएं हमारी सरकार ने दी थी। आज आपने देखा होगा कि जो इन्होंने बजट पेश किया दिल्ली के अंदर, वो बजट हमारे नेता आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने जो वचन पत्र, जो न्याय पत्र दिया, उसकी इन्होंने ट्रू कॉपी करने का काम किया है। इनके पास कोई विजन नहीं है, इसलिए आप समझ के चलो, सब लोग संगठित रहो, सब साथ मिलकर के आवाज उठाओगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी आवाज को दबा सके। मैं आपको कहना चाहता हूं, नेता प्रतिपक्ष जूली जी के नेतृत्व में हम राजस्थान की विधानसभा के अंदर हम 70 हैं, लेकिन 700 दिखते हैं, उनको बोलने नहीं देते। या आपने देखा होगा मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं, मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए सदन हो चाहे सड़क हो, हम सब संघर्ष करेंगे।
इनकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे। आज बजट दिया है, क्या बजट दिया है पढ़ने वाले को पता नहीं, क्या बजट पढ़ा बनाने वाले को पता नहीं मैंने क्या बनाया। एमएलए बोल नहीं पा रहे हैं बजट के ऊपर, कोई स्कीम नहीं है। कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको बताना चाहता हूं, नेताजी ने टीकाराम जूली जी ने भी प्रति प्रश्न पूछा था, मनोज न्यांगली का सवाल था वो, कि भाई हमारी सरकार ने 70 लाख से 76 लाख के लगभग लोगों का 100 यूनिट का बिजली का बिल माफ किया था गरीबों का, अब 35 लाख वंचित हैं, क्या आप इस योजना का लाभ उन गरीब परिवारों को 25 लाख लोगों को दोगे कि नहीं दोगे? यहां बोल गई हाँ। आपने वोटों के लिए कर लिया, हमने तो वोटों के लिए कर लिया, आप ये झूठे नाटक किसके लिए कर रहे हो? ये रामलीला कर रहे हो, सर्कस कर रहे हो, या तुम भी वोटों के लिए कर लो? आपको वोट नहीं चाहिए क्या? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, ये जो 11 सीटें आपकी मेहनत से राजस्थान में आई है ना, इनका बैंड बज गया है, इनकी बोली नहीं आ रही है, इनको इनके समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या गया। और मैं आपको, इस पूरा नेतृत्व यहां बैठा है, जो नहीं आए उनको भी सबको साथ लेते हुए, 36 कौमों के लोगों को साथ लेते हुए आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब लोग एकजुटता के साथ में एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। और आने वाले समय में जो उपचुनाव है, पांचों की पांचों सीटें बीजेपी को हराने का काम करेंगे, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। इसके लिए आप लोग काम कीजिए, हम लोग जो भी प्रश्न आएंगे, जो भी मुद्दे आएंगे, आपसे शेयर करते रहेंगे, और हम सब लोग मिलकर के अगर लड़ेंगे तो ये बीजेपी दिखेगी नहीं, मैं आपको आज बता रहा हूं, बीजेपी दिखेगी नहीं। और अभी कह रहे थे साहब टिकटें युवाओं को मिल रही है, वरुण चौधरी जी, वरुण चौधरी साहब, हमने तो वो एग्जाम्पल सेट कर दिया कि एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष एमपी की टिकट लेकर के आया, आपकी बार एमपी की टिकट राजनीति में, अभिषेक चौधरी बैठा। सफल असफलता कोई मायने नहीं रखती, संघर्ष करना चाहिए, लेकिन हम सब ने मिलकर के एक स्वर में ये कहा कि युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। अभी अनिल चौधरी, अनिल हमारा जो चोपड़ा एमपी का, जानबूझ के हराया गया, मैं दावे के साथ कहता हूं, जानबूझ के हराया गया, अनिल चोपड़ा जीता हुआ था, अनिल चोपड़ा जीते हुए को हरा दिया, इसका बदला ले लेंगे भैया, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आने वाला समय आप लोगों का है। हम रोजाना, हर व्यक्ति हम रोजाना पदों पर रहने वाले नहीं है, आने वाला आपका समय है, आप मेहनत कीजिए, समय ज्यादा दूर नहीं, 8 महीने तो चले गए। आज हमने कहा था राजस्थान की विधानसभा में कि आप जवाब तो मंत्रीगण ऐसे दे रहे हैं कि 8 दिन हुए सरकार बने, 8 महीने हो गए, तुमको यही पता नहीं कि 8 महीने हो गए, मंत्रियों को यह पता नहीं जवाब कैसे दिया जाता है, स्थितियां बड़ी नाजुक है। आपको एक अवसर मिला है विनोद भाई, आप अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हो, और मैं कहना चाहता हूं, सबको साथ दो, सबको जोड़ने का काम करो, अगर सबको जोड़ करके हम इस राजस्थान में, वो मेरे यहां कहा था उसने, सामने वाले ने, सुभाष मेहरिया जी मेरे सामने लड़े थे, तो जोश जोश में बोल गए पायलट साहब कि मैं इस चुनाव को रंगीन बना दूंगा, तो गोविंद डोटासरा कहां रुकने वाला था भाई। दूसरे दिन मेरे को मौका मिला, मैंने कहा तू तो रंगीन बनाएगा भाई, मैं इस चुनाव को चक्री बना दूंगा। तो इस राजस्थान में इस बीजेपी की चक्री बना दे विनोद भाई, सबको साथ लेकर के, और कांग्रेस पार्टी की जहां भी आपको आवश्यकता होगी हम लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे, आपके मार्गदर्शन में मिलेंगे। ये नमूना है ना, सब लोग साथ में बैठे हैं ना, है ना नमूना, तो इससे और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े से जोश में होश की जरूरत रहती है। मुझे उम्मीद है कांग्रेस, एनएसयूआई और हमारे युवा कांग्रेस, उसमें एक लड़ने का, संघर्ष करने का, आगे बढ़ने का जज्बा है। और खड़गे साहब और राहुल गांधी जी राज्यसभा और लोकसभा में जैसे इस सत्ता को धो रहे हैं ना, वो धोने का काम हम यहाँ राजस्थान के अंदर जूली साहब और हमारे सारे एमएलए साथी मिलकर के कर देंगे। और आप संघर्ष करो, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, आपको टास्क दिया है, इस टास्क को ऐसा पूरा करो कि पता लग जाए कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आया था और हम सब लोगों के बीच में विनोद जाखड़ ने यहाँ शपथ लेकर के अपना कार्यकाल शुरू किया था, तो उसके बाद में
जो पहला आंदोलन हो इस बीजेपी की आंख मिल जाएगी, ये हो क्या गया राजस्थान के अंदर, ऐसा काम करने का काम करोगे। आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, इस एकजुटता को बनाए रखें, इस जोश को बनाए रखें, आगे बढ़ें, आने वाला समय आपका है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।